करण पटेल से ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चली गई थी काम्या पंजाबी। दूसरी बार प्यार में मिला धोखा नहीं हुआ काम्या से बर्दाश्त। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए काम्या ने ली थी साइकेट्रिस्ट से मदद। काम्या पंजाबी इसी साल दोबारा शादी के बंधन में बन गई हैं। काम्या ने दिल्ली के मेडिकल प्रोफेशनल शलभ डैंग से शादी रचाई थी। अब एक्ट्रेस ने अपनी पुरानी लव स्टोरी और करण पटेल के साथ ब्रेकअप पर खुलासा किया है। काम्या ने कहा कि करण से ब्रेकअप के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में काम्या पंजाबी ने कहा कि सही कहूँ तो करण से ब्रेकअप के बाद नॉर्मल होने में मुझे 2.5 साल लग गए हैं। मैं ना खाना खाती थी और ना ही सो पाती थी। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे काउंसलिंग का सहारा लेना पड़ा और भी बहुत सारी चीजें जिंदगी में हो रही थी। मैं अब किसी के लिए कोई भी समझौता करने के लिए तैयार थी, ना ही मैं किसी भी तरह का बलिदान देने वाली थी। मुझे लगा कि मैं जेल से छूट गई हूँ, जहाँ पर दोबारा कभी नहीं जाना चाहती थी। काम्या और करण की अधूरी प्रेम कहानी किसी से छुपी नहीं है। एक दूसरे के प्यार में पागल हुए ये दोनों आज एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। आपका क्या कहना है इस मामले में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही ढेर सारी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टेली मसाला।